दिवाली के दूसरे दिन उज्जैन की बडनगर तहसील के भेड़ावत गांव में सदियों से चली आ रही एक परंपरा लोगों को ना सिर्फ रोंगटे खड़े कर देती है बल्कि देखने वालों के भी दिल दहल जाते हैं। 4000 की आबादी वाली भेड़ावत गांव में दीपावली के दूसरे दिन दर्जनों लोग मन्नत लेकर सैकड़ों गायों के पैरों तले रौंदने के लिए लेट जाते हैं और कुछ ही पलों में सैकड़ों गाय जमीन पर लेटे लोगों के ऊपर से गुजर जाती हैं। इस मंजर को देखने के लिए हर साल इस गांव में हजारों लोग जमा होते हैं और इसके पीछे मान्यता है कि ऐसा करने से हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दिवाली के दूसरे दिन उज्जैन से 75 किलोमीटर की दूरी पर बरनगर तहसील के भेड़ावत गांव के लोग गौरी पूजन की परंपरा की तैयारियों में जुट जाते हैं। माता का रूप माने जाने वाले सैकड़ों गाय को सजाया जाता है। इसके बाद गांव के लोग चौक में जमा हो जाते हैं। गांव के मुख्य मार्ग पर इन मन्नत मांगने वाले लोगों को पेट और मुंह के बल जमीन पर लिटाया जाता है। उसके बाद गांव के सैकड़ों गायों को इन पर छोड़ दिया जाता है। ये गाय दौड़ते हुए जमीन पर लेटे हुए मन्नतियों के ऊपर से गुजर जाती हैं। रोंगटे खड़े देने वाला ये पूरा दृश्य होता है और जो भी इस नजारे को देखता है उसका दिल दहल जाता है। गांव के लोग बताते हैं कि ये परंपरा सैकड़ों सालों पुरानी है। गांव में ये परंपरा वर्षों पहले शुरू हो चुकी है जो आज भी बदस्तूर जारी है। मन्नत मांगने वाले लोगों को पूरा भरोसा रहता है कि पुरखों से चली आ रही इस परंपरा को निभाने से उनकी मुराद पूरी होती है और यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है, जिसके बाद मन्नत मांगने वाले युवक को उपवास रख कर इस प्रथा में शामिल होना पड़ता है, जिसके बाद हजारों गाय इनके ऊपर से गुजर जाती हैं तभी ये पूजा पूर्ण मानी जाती है। इस पूरे ही मामले में ग्रामीणों का कहना है कि सुबह होते ही मन्नतधारी लोगों के ऊपर से सैकड़ों गाय गुजर जाती हैं। कई किलो वजनी सैकड़ों गाय लोगों के शरीर को रौंदती हुई निकल जाती हैं, लेकिन ऐतिहासिक परंपरा में लोगों की अटूट आस्था के चलते मन्नतधारियों को मामूली से ज्यादा कोई भी नुकसान नहीं होता। सैकड़ों सालों से चली आ रही इस परंपरा में आज तक कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ है और लोगों की आस्था इससे जुड़ी है। हम दीपावली के 5 दिन पहले से हम हमारी पूजा स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि मंदिर में भगवानों से प्रार्थना करना और गोया पूजना, गौ माता का पूजना, और 5 दिन से गांव में घूमते हैं हम थाली लेके और भजन गाते हैं और उपवास रखते हैं। 5 दिन से खाते पीते कुछ भी नहीं है, सिर्फ दूध पीते हैं, उससे हमें शक्ति मिलती है। और आज हमारा लास्ट दिन है दीपावली के, एक दिन बाद गौरी पड़वा, जिससे हम आज जमीन पे लेट जाएंगे और उससे सारी गाय जो गांव की है वो हमारे ऊपर से गुजर जाएगी और हमें कुछ दर्द कुछ भी नहीं होता, मतलब एक फूल की तरह निकलती है और हमें लक्ष्मी जी के दर्शन होते हैं अंदर।